Hi friends, my name is Chandra Barula और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे गवर्नेंस और हमने जाना था कि गवर्नेंस के दो पार्ट हैं और हमने उस गवर्नेंस को दो भाग में एंटरप्राइज गवर्नेंस हमने ये जाना कि नया टर्म है और उसे दो भागों में स्प्लिट किया था कॉरपोरेट गवर्नेंस और बिजनेस गवर्नेंस। और हमने ये जाना था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको हेल्प मिलती है इसको दो भागों में स्प्लिट करके, क्योंकि फिर वो उनको समझ में आता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कौन से एरियाज उन्होंने कवर किए हैं और बिजनेस गवर्नेंस में क्या करना ज़रूरी है। और हमने ये भी जाना था कॉर्पोरेट गवर्नेंस उतना फास्ट मूविंग नहीं है, बिजनेस गवर्नेंस बहुत ही फास्ट मूविंग है, वहाँ पर स्ट्रेटेजी आपको डिटरमाइन करनी पड़ती है और वो स्ट्रेटेजी पल पल की स्ट्रेटेजी होती है। जो एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है वो एक आर्मी जनरल की तरह होता है, उसको अपनी टीम के साथ टॉप मैनेजमेंट जो जनरल्स होते हैं उनके साथ स्ट्रेटेजी आर्मी लड़ाई की स्ट्रेटेजी में कॉन्स्टेंटली तैयार रहना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली स्ट्रेटेजी को चेंज करता रहना पड़ता है। और वही बिजनेस गवर्नेंस है जो आज के टर्म्स में इंडस्ट्री है, वहाँ पर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आते जा रहे हैं, वॉर में हर समय इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आते हैं, वही चीज़ आज इंडस्ट्री के साथ होती जा रही है, वहाँ पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आते जा रहे हैं। वॉर में तो कब क्या सिचुएशन चेंज हो जाए कोई भरोसा नहीं, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ वहाँ पर सिचुएशन कॉन्स्टेंटली चेंज होती जा रही थी, वॉर में कॉन्स्टेंट चेंज होते रहते हैं, बिजनेस में उतने ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं लेकिन फिर भी चेंज होते हैं, एक कॉन्स्टेंट वॉर चलता रहता है। लेकिन आज की डेट में बिजनेस इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आ गए, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आ गए, वर्ड है स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट, टेक्टिकल नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है, स्ट्रेटेजिक है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमेशा स्ट्रेटेजिक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देखेगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस पर क्वेश्चन उठा सकते हैं। फिर हमने जाना था कि टॉप मैनेजमेंट के बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में ज़्यादा काम करते हैं और आज की डेट में नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो उसके लिए सीमा ने स्ट्रेटेजिक कोर स्कोर कार्ड, बैलेंस स्कोर कार्ड अडॉप्ट किया है और वो हमने जाना था कि वो क्या होता है और उसकी क्या डेफिनेशन होती है। स्ट्रेटेजिक स्कोर कार्ड को का कॉन्सेप्ट नॉर्टन और कैप्लान लेकर आए और बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, 90s में ये आया और ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए का स्कोर कार्ड है, उनकी परफॉर्मेंस का स्कोर कार्ड है। तो हम इसके चार बेसिक एलिमेंट हैं ये हमने जाना था। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक पोजीशन, क्या कंपनी की पोजीशन है, क्या माइक्रो इन्वायरमेंट है, क्या मैक्रो इन्वायरमेंट है, क्या स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं, क्या स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं। फिर पोजीशन जानने के बाद हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, जब हम लड़ाई कर रहे हैं तो ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास, उसी ऑप्शंस के अनुसार या तो हम स्कोप चेंज करेंगे या डायरेक्शन चेंज करेंगे, या हम स्कोप चेंज करेंगे या डायरेक्शन चेंज करेंगे। और फिर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, इम्प्लीमेंट जब भी हम करते हैं प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्लान बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या कोई प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो प्लान को बनाना है, पुराने प्लान को अबेंडन करना है, छोड़ना है, या जो पुराना प्लान है उसे चेंज करना है एक लेवल तक। और अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसके माइलस्टोन क्या हैं और हम किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और चौथा है स्ट्रेटेजिक रिस्क, क्या रिस्क है मार्केट में। तो हम इन चार भागों में डिवाइड कर लेते हैं और मैनेजमेंट इस चार भागों में डिवाइड करके अपनी परफॉर्मेंस देखने लगता है कि उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है उसे पता चल जाता है, ऑप्शंस क्या है उसे पता चल जाता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑप्शंस इन सब चीज़ों के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो जाती है। अगर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को बोर्ड बुलाता है तो वो अपने स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस लेकर चले जाता है, स्ट्रेटेजिक पोजीशंस लेकर जाता है, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रेटेजिक रिस्क के बारे में वो बात करने लगता है। उसके बाद हमने बोर्ड परफॉर्मेंस के बारे में बात की, बोर्ड की परफॉर्मेंस, बोर्ड जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स को फॉलो करेगा, पहली चीज़ जो जैसे इंडिया में कंपनीज एक्ट है उसने एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड दिया हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ता है पहल के लिए और बोर्ड एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड फॉलो करता है, ऑडिट कमेटी होती है और कई चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके अलावा भी बोर्ड को कई चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे पहले बोर्ड को जो है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा और फिर उसके बाद कैंडिडेट्स देखने पड़ेंगे, उनकी क्वालिफिकेशंस
बतानी पड़ेगी कि ये बोर्ड में जो जो कैंडिडेट्स हैं, जो आदमी हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके अलावा कंपनी के अंदर डायनेमिक्स चल रहे हैं, उन डायनेमिक्स के बारे में उसे ध्यान रखना पड़ेगा। कंपनी के अंदर कुछ डोमिनेटिंग पर्सनैलिटीज़ हो सकती है, कई बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वहाँ पर बहुत सारे गुरुज़ होते हैं, वो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी कंपनी को आगे भी बढ़ाती है और कई बार वेस्टेड इंटरेस्ट भी बन जाती है। कई बार उनके पास उतनी नॉलेज नहीं रह पाती, कई बार वो गुरु होते हैं, उनके पास पुरानी नॉलेज होती है। लेकिन मार्केट में क्या है, आजकल क्या है, जुकरबर्ग जैसे लोग आ रहे हैं, यंग एलन मस्क जैसे लोग आ रहे हैं, नए बिल्कुल। बिल गेट्स बिल्कुल एक ज़माने में मार्केट में आया था तो वो बिल्कुल नया था और अचानक शॉर्टअप किया, तो पुरानी डेफिनेशंस ख़त्म हो रही हैं। तो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी गुरुज़ को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है ये देखना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। उसके बाद हमने ये जाना था कि बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी कि डिज़ाइन करने की, कि एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बीच में क्या बैलेंस होना चाहिए, क्या उनका काम है, डायरेक्टर्स की क्या इंडिपेंडेंस होगी, डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को अलाइन करना। तो बेसिकली अगर हम कॉरपोरेट गवर्नेंस को देखें, हम कॉरपोरेट गवर्नेंस को हम ये कह सकते हैं कि कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या करता है, कॉरपोरेट गवर्नेंस रिस्क को मेजर करता है, मॉनिटर करता है, उसको मैनेज करता है और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन आगे भाग सके। और इसके लिए उसको सही आदमी, सही डिसीजन, सही टाइम में सही डिसीजन की ज़रूरत होती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ सके। अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती कहा जाता है, लेकिन हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं, इंडिया में हैं, उतना दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है, क्यों एम्फसाइज़ किया जाता है वैल्यू पर? क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट है, वहाँ वैल्यू ख़त्म होती है तो लोग कैपिटल मूव करने के लिए तैयार रहता है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दिख रही है उसे शेयर होल्डर्स को, तो शेयर होल्डर्स दूसरी जगह जाने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटी चेंज होती रहती है, अपॉर्चुनिटी मार्केट में आती जाती रहती है। तो एक पर्टिकुलर कल्चर और वैल्यू आपके ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। अब कल्चर और वैल्यू बहुत सी चीज़ों का मिश्रण है, आपका पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू और कल्चर को डिटरमाइन करेगा। आपका वर्टिकल स्ट्रक्चर है या फ्लैट स्ट्रक्चर है, कई जगह पर फ्लैट स्ट्रक्चर प्रेफर किया जाता है, कई जगह पर वर्टिकल स्ट्रक्चर प्रेफर किया जाता है। आपका सिस्टम आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, एचआर मैनेजमेंट क्या है, आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं, स्ट्रेटेजिक विजन क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, डिसीजन मेकिंग का स्टाइल क्या है, कई जगह पर ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होती है और कई जगह पर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कैसे हैं, आप आईटी हो या ज़्यादा मैनुअल सिस्टम्स ज़्यादा हैं, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और वैल्यूज़ का पार्ट करती हैं। और कल्चर और वैल्यूज़ डेवलप्ड कंट्री में बहुत ज़्यादा हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर कल्चर और वैल्यूज़ की कोई कीमत नहीं है। वहाँ जैसे अफगानिस्तान है, वहाँ पर आप कंपनी करोगे, कोई आदमी आएगा वहाँ, वो कल्चर वैल्यू समझ में नहीं आएगा उसे, उसे लगेगा जो मेरी कल्चर वैल्यूज़ हैं वो कंपनी की कल्चर वैल्यूज़ हैं। अफगानिस्तान में आदमी कह सकता है कि वुमन को तो काम ही नहीं करना चाहिए, ये वहाँ की कल्चर वैल्यूज़ है। जबकि इंडिया में कल्चर वैल्यूज़ धीरे धीरे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आ रही हैं कि वुमन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बोर्ड में जब भी बात होती है तो लोग कहते हैं 50% वुमन पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है कई कंपनीज़ में, और कई कंपनी इम्प्लीमेंट कर देती हैं। पर्टिकुलरली एचआर में जाओगे कंपनी के तो वहाँ पर 50% वुमन दिखाई देंगे आपको, क्योंकि उनके लिए वो वेल सूटेड जॉब होता है वो। तो वो कल्चर और वैल्यूज़ इंडिया में आ गई हैं, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है। लेकिन अगर थोड़ी सी आगे आप जाओगे, जैसे मलेशिया है, वो डेवलप्ड कंट्री होने की कोशिश कर रहा है, या इंडोनेशिया है, या आपका सिंगापुर है, तो वहाँ पर वुमेन वैल्यूज़, वुमेन पार्टिसिपेशन और ज़्यादा हो गया है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये और ज़्यादा बढ़ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि कल्चर और वैल्यू जो चीज़ है वो कॉरपोरेट गवर्नेंस का पार्ट है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी को फेलियर से बचाता है। तो आप कहोगे कि यार कई जगह पर कहोगे अफगानिस्तान में पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसमें तो कोई कल्चर वैल्यू नहीं है, फेलियर नहीं है, फेलियर तो केवल आपका आपके बिजनेस गवर्नेंस बचाएगा, कितना आपने माल बेचा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। वहाँ पर
कंपनी में कट थ्रोट कंपटीशन आ गया, और जहां पर कंपनीज में कट थ्रोट कंपटीशन आ जाता है वहां पर कल्चर और वैल्यूज की बहुत बात हो जाती है। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल लें, आप सब्जी मंडी जाते हैं, बहुत बड़ी मंडी है। अब उस मंडी में क्या है कि आप सबसे पहले तो उस आदमी के पास जाते हैं, आप नॉर्मल दुकानें हैं, पहले दो नॉर्मल दुकान ले लेते हैं, दो चार दुकानें हैं, आप उन आदमी के पास जाते हैं जो सबसे कम पैसे में आपको चीज़ें देता है। जहाँ कम पैसा हुआ, एक आदमी आपको बुरी तरीके से भी बोल रहा है लेकिन कम चीज़ों कम पैसे में वही माल दे रहा है आपको, तो आप उसके पास चले जाते हो। लेकिन फिर आपके घर के आगे मंडी खुल जाती है और कई शॉप्स खुल जाती हैं, स्टैंडर्डाइज शॉप्स खुल जाती हैं, जो कि वो दाम उतने ही पैसे में दे रहे हैं। कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है, तो फिर आप एडिशनल चीज़ें देखने लगते हैं कि ये कंपनी, ये लोग, ये इस दुकान में मैं जा रहा हूँ तो क्या ये क्या ये बंदा सही तरीके से बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हाइजीनिक तरीके से सामान को रख रहा है कि नहीं कर रख रहा है, ये पैकिंग सही तरीके से डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। आप एक रेडी वाले के पास जाते हैं, वो बहुत सस्ते में आपको बर्गर खिलाता है, लेकिन उस बर्गर को जब आप खाते हैं तो कई कई बार क्या होता है, उसमें कीड़े भी निकल जाते हैं, आप कुछ नहीं बोलते हैं और उसको फेंक कर दूसरे बर्गर वाले के पास चले जाते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर मैकडोनल्ड्स के साथ हो तो क्या होगा, आप उसे एक्सपेक्ट करते हैं, उसकी एक कल्चरल, उसकी एक वैल्यू है, आप फ़ोटो खींचेंगे और उसके बाद पूरा वायरल हो जाएगा यूट्यूब पे, सॉरी सोशल मीडिया में ये कंप्लीट वायरल हो जाएगा। तो 100 रुपये के बर्गर वाले की वैल्यू अलग है, जो नीचे है उसकी बर्गर की वैल्यू अलग है, उसकी कल्चरल इथिकल वैल्यूज़ अलग हैं। तो ये जो कल्चरल इथिकल वैल्यूज़ हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि कल्चरल इथिकल वैल्यूज़ तो दिखती नहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ में और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो वहाँ तो कल्चर दिख जाए तो आदमी मजाक उड़ाने लगता है कई बार, वहाँ माइंडसेट अलग है, वहाँ पर डिफरेंट माइंडसेट है। लेकिन अब माइंडसेट चेंज हो रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज़ की वैल्यूज़ नीचे छन कर आ रही हैं, वो कंपनीज़ जो कल्चरल और जिनकी जिसमें कल्चर और वैल्यूज़ होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं तो वो जानती हैं इंडियन मार्केट सेंसिटिव है, यहाँ से कभी भी बाहर निकाला जा सकता है, तो कल्चर और वैल्यूज़ की ध्यान रखती हैं। कहीं पर कोई प्रॉब्लम भी, बड़ी तेज़ी से एस्केलेशन होता है, स्वदेशी वाले बड़ी तेज़ी से एस्केलेशन करते हैं, तो कल्चरल और वैल्यूज़ पर बहुत ध्यान करते हैं, और वहीं पर कॉरपोरेट गवर्नेंस का महत्व बढ़ जाता है। यानी कॉरपोरेट गवर्नेंस में कल्चर और वैल्यूज़ का महत्व क्यों बढ़ा, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आई और वो कल्चर और वैल्यूज़ के टर्म्स में सोचने लगी, उन्हें पता चल गया कि अगर मान लिया कोई भी प्रॉब्लम होता है, मैगी में अगर थोड़ी सी भी कोई गड़बड़ी निकल जाती है तो पूरे वर्ल्ड इंडिया वाइड हंगामा हो जाएगा और मैगी अगले दिन बैन हो जाएगी। हाँ, अगर हम देसी दुकानदार के पास जाते हैं उसमें मैगी से 4 गुना ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। कई बार क्या होता है, देसी दुकान में जाते हैं कि आदमी की तबीयत भी ख़राब होती है, उसके बाद भी आप जाते हैं, कुछ दिनों बाद देखते हैं वो दुकानदार आराम से बेच रहा होता है। कई लोग दूध में पता नहीं केमिकल्स डाल रहे होते हैं आजकल, और वो खुला हुआ जो दूध आता है उसमें केमिकल्स वगैरह डले होते हैं। लेकिन अगर मदर डेयरी के साथ ये हो जाए तो मदर डेयरी बैन हो सकती है, या मल्टीनेशनल कंपनी है तो वहाँ पर तो और जल्दी बैन होने के चांसेस होते हैं। तो वो कल्चर और वैल्यूज़ के टर्म्स में सोचने लग गए हैं और वो कल्चर और वैल्यूज़ के टर्म्स में चीज़ों को करने लगते हैं। लेकिन अगर उनसे एक गलती होती है तो उसकी उन्हें बहुत भारी कीमत पे उठानी पड़ती है, और इसका रीज़न क्या है कि धीरे धीरे कल्चर वैल्यूज़ नीचे आनी स्टार्ट होती है। आज की डेट में मैगी बैन हुआ, कल की डेट में क्वेश्चन उठता है कि लोकल जो बंदा है उसका दुकान को आप क्यों नहीं बैन कर रहे हो, क्वेश्चन उठता है कि मैगी में इतना जो चीज़ें हैं स्टैंडर्ड से ऊपर थी, लेकिन किसी भी लोकल दुकान में जाएं वहाँ और प्रॉब्लम है। अगर मिनरल वाटर आता है तो आप उस मिनरल वाटर में थोड़ी सी अगर कुछ प्रॉब्लम है उसको एस्केलेट कर लेते हो, लेकिन अगर मान लिया सपोज़ रेडी वाला पानी लेकर खड़ा हुआ है और आपको पानी दे रहा है, उसका पानी कहाँ से आया है, किधर आया है, उसके बारे में कोई कंट्रोल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो सेकंड सिचुएशन अच्छी है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कल्चर और वैल्यूज़ धीरे धीरे नीचे ट्रांसलेट होते हैं और होने लग जाते हैं, और फिर अवेयरनेस बढ़ती है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में अवेयरनेस बढ़ती चली जाती है, और धीरे धीरे फिर वो डेवलप्ड कंट्री के पाथ में की तरफ मूव कर जाते हैं। तो डेवलप्ड कंट्री है ही वो जहाँ पर कल्चर और वैल्यूज़ हैं, और कल्चर और वैल्यूज़ कमज़ोर हुए तो कंपनी गई, क्योंकि कैपिटल मूव करने के लिए तैयार बैठा है, मैंने अगर पैसा लगाया इस पर्टिकुलर कंपनी में
तो मुझे लगता है इसमें उतनी कल्चर और वैल्यूज़ नहीं है, तो मैं कम पैसा फट से मूव करूँगा दूसरी जगह। तो वहाँ कॉरपोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस डेवलप्ड कंट्री में अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डेवलपिंग कंट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंडर डेवलप्ड कंट्री में अभी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पर बिजनेस गवर्नेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बिजनेस गवर्नेंस का पल्ला हर जगह भारी है, डेवलप्ड कंट्री में भी बिजनेस गवर्नेंस का पल्ला काफ़ी भारी है। वहाँ पर बिजनेस, वहाँ पर कॉरपोरेट गवर्नेंस एक पर्टिकुलर लेवल तक उठ खड़ा हुआ है, जितने लेवल तक मिनिमम स्टैंडर्ड्स मेंटेन होने चाहिए वहाँ पर आपके कॉरपोरेट गवर्नेंस के। मिनिमम कल्चर होना चाहिए कंपनी में, मिनिमम वैल्यू डिलीवरी होनी चाहिए कंपनी में। उस साथ ही साथ बिजनेस गवर्नेंस भी होना चाहिए, धंधा भी होना चाहिए, सेल्स वाले सेल्स लेकर आए, एंड जो आपका मार्केटिंग वाला है मार्केटिंग करे और उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी में ट्रांसलेट करे। बिजनेस डेवलपमेंट टीम्स हैं, वो जाकर बिजनेस को डेवलप करें, नए नए बिजनेस को डेवलप करें। तो बिजनेस गवर्नेंस का पल्ला भारी है। तो हम फिर इसे समराइज करते हैं, डेवलप्ड कंट्री में बिजनेस गवर्नेंस और कॉरपोरेट गवर्नेंस में बिजनेस गवर्नेंस का पल्ला थोड़ा भारी है, लेकिन कॉरपोरेट गवर्नेंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस कहीं फेलियर होता है तो इनरॉन और वर्टेल की जैसी कंपनी जो कि अच्छा प्रॉफिट्स दे रही हैं वो भी गिर जाती हैं। उसके बाद आते हैं इंडिया जैसी कंट्री में। इंडिया जैसी कंट्री में कॉरपोरेट गवर्नेंस मल्टीनेशनल कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैगी एक एग्जांपल है। अचानक मार्केट में मैगी के बारे में पता चल जाता है, मैगी जिसे हर कोई खाता था, और कुछ समय बाद वो मैगी मार्केट से गायब हो जाती है। कॉरपोरेट गवर्नेंस इन टर्म्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टर्म्स ऑफ देशी बिग देशी कंपनीज में वो इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ है। वो कॉरपोरेट गवर्नेंस को एक मिनिमम लेवल तक रख रहे हैं, लेकिन आज की डेट में क्वेश्चन उठा रहे हैं। इवन आम आदमी पार्टी बनी, वो उसी का एग्जांपल है कि लोग कॉरपोरेट गवर्नेंस में पहली बार वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, कल्चर फाइंड आउट कर रहे हैं। अभी वो छोटी कंपनीज़ में नहीं पहुँचा है, अभी छोटी छोटी कंपनी छोटी छोटी शॉप्स में नहीं पहुँचा है, लेकिन उसकी तरफ मूव कर रहा है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में कॉरपोरेट गवर्नेंस की वैल्यू कम और कम होती है, लेकिन वहाँ भी वैल्यू पर उनकी वहाँ पर भी क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज जाने लग गई हैं, वहाँ पर भी वैल्यू जो है क्योंकि इंटरनेट आ गया है पूरी वर्ल्ड वाइड, उनको गूगल अवेलेबल है, वर्ल्ड वाइड नॉलेज अवेलेबल है, तो वहाँ भी इम्पोर्टेंट होता चले जा रहा है। तो आपकी किताब में ये लिखा हुआ है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार समझ भी नहीं आएगा यार ये कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ होता नहीं है कॉरपोरेट गवर्नेंस में, थोड़ा सा अगर कंपनी बेमानी करती है ब्राइब्स देती हैं तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कल की डेट में फ़र्क पड़ने लगेगा। भी थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ रहा है, तभी तो आम आदमी पार्टी बन गई। अचानक उन्होंने वही इमोशंस को इनकैश किया, लोगों के वही इमोशंस को इनकैश किया। ज़रूरी नहीं है उसने डिलीवरी दी नहीं दी, वो एक सेकेंडरी इशू है बनने के बाद, लेकिन उन्होंने उस इमोशंस कल्चर और वैल्यू वाले इमोशंस को इनकैश किया, जो प्राइवेट कंपनी के कल्चर और इमोशंस को इलेक्ट्रिक कंपनी के कल्चर और इमोशंस नेगेटिव कल्चर और नेगेटिव इमोशंस को इनकैश किया। तो जैसे फॉर एग्जांपल टाटा है, टाटा का कल्चर और वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग मानी जाती है इंडियन कंडीशंस के अनुसार। वो कहीं पर पैसा नहीं देते हैं, पैसा देते भी होंगे तो बहुत कम देते होंगे, मतलब एक कल्चर और वैल्यूज़ के टर्म्स में उसे रॉक माना जाता है। लेकिन और बहुत सारी कंपनीज़ हैं उन्हें बहुत नेगेटिव माना जाता है, लेकिन कुछ समय बाद यही रॉक कंपनीज सर्वाइव करेंगी क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा और कैपिटल मूव करने के लिए तैयार होगा। कैपिटल को पता होगा कि इसकी कल्चर और वैल्यूज़ गिर गई तो वो दूसरी तरफ मूव करने लगेगा, उसको पता होगा इसकी कल्चर और वैल्यूज़ गिर रही है तो कहीं ना कहीं ये लॉज में फंसेगा, लॉज तगड़े होते चले जाएंगे। कॉरपोरेट मजबूत होता जाएगा और फिर वो कॉरपोरेट जब मजबूत होता है तो वो डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, क्योंकि कॉरपोरेट कंपनीज भी एक तरह से डेमोक्रेसी हैं। हर रोज़ आप एक वोट दे रहे हो उन कंपनीज़ को, उसका माल खरीदने का मतलब यह है कि आप एक वोट दे रहे हो। नेता तो 5 साल में एक बार आता है, लेकिन कंपनी को आप रोज़ वोट दे रहे हो, तो वोडाफोन का फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, रोज़ उससे रिचार्ज करा रहे हो, इसका मतलब उसे वोट कर रहे हो। जिस दिन रिचार्ज कराया चुपचाप, रिचार्ज नहीं कराया दूसरी कंपनी में हो गए, यानी वोटिंग खत्म हो गई। आप पार्ले जी के बिस्कुट खा रहे हो, कल की डेट में आपको पसंद नहीं आए, आपने वोट खत्म कर दिया, दूसरी तरफ मूव किए। ये वोट बहुत कंपनीज़ को ये वोट बहुत खतरनाक है, उनके लिए ये वोट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये वोट आपका ये जो वोट है ये इम्पॉर्टेंट होता चले जा रहा है। इसलिए जो कंपनीज़ हैं वो डेमोक्रेसी का
पार्ट मानी जाती है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी डेमोक्रेसी का एक पार्ट मानी जाती है। और जितनी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जितनी भी कंपनीज़ होंगी और उसमें कल्चर और वैल्यूज़ जितनी ज़्यादा होंगी, वही कल्चर और वैल्यूज़ अच्छे उसमें ट्रांसलेट करेंगी, अच्छी गवर्नेंस, अच्छी डेमोक्रेसी में ट्रांसलेट करेंगी। यानी आदमी, कंपनी और ये किसी भी कंट्री के कल्चर और वैल्यूज़ को हेल्प करती हैं। इसीलिए कई कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनी लाई जाती हैं। इनिशियली मल्टीनेशनल कंपनी वो कल्चर और वैल्यूज़ को डेवलप करती हैं कंपनी के, इंडियन कंपनीज़ के या उस पर्टिकुलर जगह के कंपनीज़ की, वो एक्सपर्टीज़ देती हैं और फिर उसके बाद टेक ऑफ हो जाता है। अब हम देखेंगे आईटी गवर्नेंस के बारे में। आईटी गवर्नेंस कॉरपोरेट गवर्नेंस का पार्ट है। कॉरपोरेट गवर्नेंस आज इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो गया है कि आईटी गवर्नेंस आ गया है। अंडर डेवलप्ड कंट्री में भी आईटी गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अंडर डेवलप्ड कंट्री में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, स्किल नहीं मिलता है। आप जिस चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हो उसको आप ऑटोमेट कर देते हो आईटी की वजह से। वहाँ पर जो स्किल मिलेगा वो अनप्रोफेशनल स्किल मिलेगा। वहाँ जो बंदा मिलेगा वो काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, या प्रोफेशनली काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो आप उन चीज़ों को ऑटोमेट कर दोगे तो क्या करोगे, उतना लेबर सेव करोगे, तो वहाँ पर उल्टी चीज़ होगी। तो आईटी गवर्नेंस ने चीज़ों का जो प्लेग्राउंड है उसका नक्शा ही चेंज करके रख दिया है। तो मेन चीज़ ये गवर्नेंस चैप्टर हम इसीलिए पढ़ रहे हैं, आईटी गवर्नेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली आज की डेट में क्या है, जो टॉप मोस्ट कटिंग एज में यूएस में काम चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम चल रहा है। और वो ये चाह रहे हैं कि सारी कंपनी के अंदर जो टोटल गवर्नेंस है वो आईटी गवर्नेंस हो जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो ह्यूमन कंपोनेंट को निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आदमी पैसा मांगता है। अल्टीमेटली हर कॉस्ट आदमी की कॉस्ट है, क्योंकि आदमी को पैसा देना पड़ता है। आप जितनी चेन में आदमी निकालते चले जाओगे उतनी चीज़ की कॉस्ट कम होती चली जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चीज़ को ऑटोमेट करना पड़ेगा, आईटी को यूज़ करना पड़ेगा। तो आईटी जो है बिजनेस इनेबलर से स्ट्रेटेजी का इंटेग्रल पार्ट हो गई है, और धीरे धीरे आईटी का यूज़ करके आप बिजनेस को एफिशिएंट बनाते चले जा रहे हो। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव गवर्नेंस का आजकल क्या हो गया है कि आईटी के ऑब्जेक्टिव्स एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव से मीट आउट करें। मतलब आपका कोई चीज़ बनाने का, जैसे फॉर एग्जांपल जापान में एक होटल खोला गया, उसका सर्विस देने का उसका जो ऑब्जेक्टिव है सर्विस देना है। जो भी होटल में जो लोग आ रहे हैं उनको सर्विस देना है। वो रोबोटिक होटल है, रोबोट्स वहाँ काम करते हैं। तो रोबोट्स वहाँ काम कर रहे हैं तो उन्हें स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है उस सर्विसेज के लिए, एक पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए। तो आईटी इस लेवल तक जा रहा है। कई कंपनीज हैं, चाइना में एक कंपनी खोली गई जिसमें 600 एम्प्लॉइज़ थे, उस 600 एम्प्लॉइज़ की जगह 100% ऑटोमेशन कर दिया गया। तो 100% ऑटोमेशन का मतलब क्या है, पहले तो क्या था, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव और एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव मीट आउट करें, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव मीट आउट करें, इसे गोल कॉन्ग्रेंस कहते थे। आज की डेट में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव गवर्नेंस का ये हो गया है कि आईटी ऑब्जेक्टिव्स एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव से मीट आउट करें। तो इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सोच समझ लीजिए। पहले क्या होता था, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव बिजनेस का ऑब्जेक्टिव दोनों मीट आउट हो, गोल कॉन्ग्रेंस थी। आज की डेट में डेफिनेशन चेंज हो रही है, किस तरह से डेफिनेशन इवॉल्व हो रही है। आज की डेट में मतलब आज की डेट में नहीं कह सकते, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। आज से कुछ सालों बाद, आज से 20 साल बाद या आज से 30 साल बाद अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव गवर्नेंस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यह है कि आईटी के ऑब्जेक्टिव्स एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव से मीट आउट करें। चीज़ें इस लेवल तक पहुंच चुकी हैं। आईटी एक पहले क्या होता था, इनेबलर होता था, बिजनेस इनेबलर, बैसाखी होता था। आज वो बैसाखी बॉडी का पार्ट बन गई है, जैसे पैरों में रॉड लगाते हैं, अगर पाँव टूटता है तो कई बार बैसाखी दे देते थे। फिर उसके बाद आज के रेट में रॉड्स आती हैं, वो आपके बॉडी में लगा दी जाती है, वो बॉडी का पार्ट बन जाती है। आज की डेट में बिजनेस स्ट्रेटेजी और गोल्स का इंटेग्रल पार्ट हो गया आईटी। पहले क्या होता था, इनेबलर की तरह काम करता था, आज मैनेजीरियल और स्ट्रेटेजिक रोल की तरह काम करता है। आज की डेट में क्या है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक अच्छी डेवलपमेंट टीम है, कई ऑर्गेनाइजेशन में टीम्स हैं, तो आप क्या करते हो, आप उससे कहते हो कि इस चीज़ को ऑटोमेट करो और हमें ह्यूमन कम चाहिए, हमें ये पर्टिकुलर चाहिए। तो आईटी डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट टीम वगैरह होती है, या डेवलपमेंट एक सेपरेट
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम हो, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए हैं, उसके ऊपर वो फिर डिज़ाइन करने लगती है आपके सिस्टम को डिज़ाइन करने लगती है। तो बेसिकली ट्रेडिशनल रोल जो आईटी का था वो क्या था कि प्रोजेक्ट वगैरह वो देखता था, थोड़ा टेक्निकल सर्विसेज देता था, अगर आईटी वगैरह के स्टाफ को आपको एम्प्लॉय करना है वो एम्प्लॉय करता था, कंप्यूटर लगा देता था, डेटा सेंटर होता था उसे मैनेज करता था। लेकिन आज की डेट में उसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आज की डेट में स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम को डिज़ाइन करने का काम आ गया है, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगा, स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम किस तरह से बनेगा, वो आईटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। किस तरीके से उस सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा, कैसे नॉन टेक्निकल स्टाफ को आईटी के बारे में एजुकेट किया जाएगा, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग आ गई, बिजनेस प्रोसेस को कैसे री इंजीनियर किया जाएगा, आउटसोर्स फंक्शन है उसे कैसे मैनेज किया जाएगा। तो अब वो एक्टिव एक्टर की तरह काम करने लग गया है, पहले वो पैसिव एक्टर की तरह काम करता था, अब मैनेजीरियल और स्ट्रेटेजिक रोल उसका इंपॉर्टेंट हो गया। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या स्ट्रेटेजिक कमेटी में आईटी का बंदा होना बहुत जरूरी है, पहले फाइनेंस का बंदा होना बहुत जरूरी था, अब आईटी का अगर अच्छी कंपनी है तो उसमें आईटी का बंदा होना बहुत जरूरी है। आईटी का अगर मैनेजर वहाँ नहीं है और वो उस चीज़ को ज़्यादा ड्राइव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कंपनी सही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक विजन जब बन रहा होगा, स्ट्रेटेजी जो बन रही होगी, स्ट्रेटेजी जो कमिटी स्ट्रेटेजी डिटरमाइन कर रही होगी, तो उसमें आईटी वाला बंदा होना बहुत ज़रूरी है। तो जो आईटी गवर्नेंस है, बेसिकली गवर्नेंस एक स्ट्रेटेजी है, गवर्नेंस स्ट्रेटेजी है, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट गवर्नेंस करता है, गवर्नेंस स्ट्रेटेजिक है, कभी टेक्टिकल और ऑपरेशनल नहीं होगा, गवर्न करना है, कंट्री को गवर्न करना है, एक पर्टिकुलर एरिया को गवर्न करना है, तो स्ट्रेटेजिक है। एग्जामिनेशन में अगर ये चीज़ आए गवर्नेंस क्या है, टेक्टिकल लेवल है ना, ऑपरेशनल लेवल है ना, गवर्नेंस स्ट्रेटेजिक लेवल है, उसके डिसीजंस नीचे फ्लो करके आते हैं। तो गवर्नेंस बेसिकली स्ट्रेटेजी, आईटी गवर्नेंस पहले क्या था, पैसिव रोल था, नीचे था, आज सबसे एक्टिव रोल हो गया और आने वाले समय में उसका रोल बढ़ता चला जाएगा। तो आईटी गवर्नेंस आज की डेट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले वो एग्जीक्यूटिव लेवल या छोटे मोटे एचओडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से वो लीडरशिप आनी चाहिए आईटी गवर्नेंस की। और आईटी गवर्नेंस एक बात ध्यान रख लीजिए, एंटरप्राइज गवर्नेंस में दो गवर्नेंस है, कॉरपोरेट गवर्नेंस और बिजनेस गवर्नेंस, यानी कॉरपोरेट गवर्नेंस सबसेट है एंटरप्राइज गवर्नेंस का, एंटरप्राइज गवर्नेंस बड़ा टर्म है, कॉरपोरेट गवर्नेंस छोटा टर्म है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बाद आता है आईटी सिक्योरिटी गवर्नेंस, आईएस सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जितने भी इंफॉर्मेशन के सिस्टम हैं उनकी सिक्योरिटी का गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन ऑटोमेटेड हो सकती है, नॉन ऑटोमेटेड हो सकती है, डिजिटाइज्ड हो सकती है, नॉन डिजिटाइज्ड हो सकती है। तो कहीं पर भी ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम जरूरी नहीं हो आईटी हो, इन्फॉर्मेशन सिस्टम उभर कर इसलिए आया क्योंकि आईटी का एप्लीकेशन होने लगा है, पहले भी इन्फॉर्मेशन सिस्टम होते थे, मैनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम होते थे। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी का काम, इन्फॉर्मेशन में कई कंपनी में आज भी मैनुअल खाते होते हैं, उनकी वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं, मैनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं, उनकी सिक्योरिटी का काम कॉरपोरेट गवर्नेंस है। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंदर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस आएगा और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस के अंदर आईटी गवर्नेंस आएगा। तो आईटी गवर्नेंस किसका पार्ट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी का गवर्नेंस का पार्ट है, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस किसका पार्ट है, कॉरपोरेट गवर्नेंस का पार्ट है। और कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है, पूरे गवर्नेंस या इंटरप्राइज गवर्नेंस का पार्ट है। और गवर्नेंस क्या है, स्ट्रेटेजिक चीज़ है, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो अगर पूछेगा आईटी गवर्नेंस स्ट्रेटेजिक है या क्या कहते हैं टेक्टिकल है, तो आप कहोगे स्ट्रेटेजिक तो है ही है। अगर कोई पूछेगा ये आपका कॉरपोरेट है कि बिजनेस है, कॉरपोरेट गवर्नेंस है कि बिजनेस गवर्नेंस, तो आप कहोगे कॉरपोरेट गवर्नेंस है। तो कहने का मतलब ये है, फिर से रिपीट करते हैं, आपके कंपनी है, कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, आपके कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट है, डेवलपमेंट डिपार्ट को टीम है, तो ये सारे डिपार्टमेंट कॉरपोरेट गवर्नेंस का पार्ट है।
जिसमें कि आईटी बहुत तेज़ी से चल रहा है और बहुत तेज़ी से फैलता चला जा रहा है, तो बिज़नेस गवर्नेंस भी चेंज होता जा रहा है। पहले बिज़नेस गवर्नेंस स्टेबल था, अब बिज़नेस गवर्नेंस में बड़ी तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं। जैसे आर्मी है, आर्मी में पहले क्या होता था, टैंक होते थे वही चलते थे, अगले 30 साल तक टैंक चल रहे हैं, और पहले उससे और पहले था तलवारें थी तो हज़ारों साल तक तलवारें ही चलती रही। फिर उसके बाद भाले आए तो हज़ारों साल तक भाले ही चलते रहे। फिर घोड़े आए और कॉम्बिनेशन आए तो वो चलता रहा। फिर तोपें आई तो हज़ारों साल तक तोप 100-200-300 साल तक तोपें चलती रहीं। फिर उसके बाद टैंक्स आए, वो कम टाइम, अब टैंक जो हैं वो चेंज होते रहते हैं वर्जन, पहले उनका पुराना वर्जन, फिर नया वर्जन, फिर नया वर्जन, फिर नया वर्जन। आपके ये जो लड़ाकू विमान होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, F-16 आ गया, फिर F-18 आ गया, फिर फला रैप्टर आ गया, ये आ गया, फिर उसके बाद स्टेल्थ बॉम्बर्स आ गए। तो यानी कि जो इन्वेंट्री है, जो जिस स्ट्रक्चर है, जो आर्मी का स्ट्रक्चर है, वो भी चेंज हो रहा है। उसी तरीके से कॉरपोरेट स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, कॉरपोरेट गवर्नेंस चेंज हो रही है। मालूम पड़ा एक फ्रॉड हो गया, वर्टेल ने फ्रॉड कर लिया, या आपका इनरॉन ने फ्रॉड कर लिया, सर्वन ऑक्सलीज एक्ट आ गया और गवर्नेंस के नए स्टैंडर्ड्स आ गए। कल की डेट में आईटी और ज़्यादा हो गया, तो उसने क्या किया, जितनी रिपोर्ट्स हैं वो कंसाइज कर दी, तो फिर और ऑर्गेनाइजेशन में कॉरपोरेट गवर्नेंस और की जा सकती है। तो ये चीज़ है, आईटी एफिशिएंसी दे रही है और उसकी वजह से क्या, कॉरपोरेट आरओसीज़ वगैरह ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांग रही हैं और इन्फॉर्मेशन की नीड उनकी बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती चली जाएगी। वो डिस्क्लोजर नॉर्म्स बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, पहले तो डिस्क्लोजर हो ही नहीं सकता था, और डिस्क्लोजर होता भी तो आप वो फाइल लेकर जाते तो वहाँ पर फाइल का चट्ठा बढ़ जाता। आज की डेट में डिजिटाइज्ड फॉर्म में इन्फॉर्मेशन रखी जाती है, और मालूम पड़ा कल की डेट में तो पेन ड्राइव में पूरे कॉरपोरेट की दसियों सालों की इन्फॉर्मेशन रखी जा सकेगी। इस तरीके से डेटा को स्टोर करने की फैसिलिटीज़ आ रही हैं। तो जो आईटी गवर्नेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है, आईटी गवर्नेंस पावरफुल होता चला जा रहा है, आईटी गवर्नेंस ही गवर्नेंस बनता चला जा रहा है, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो आईटी गवर्नेंस बाद में क्या है, एंटरप्राइज गवर्नेंस के साथ दोनों को मिला दिया जाएगा, आईटी गवर्नेंस, और ये बोला जाएगा कि गोल कॉन्ग्रेंस का मतलब एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव आईटी के ऑब्जेक्टिव से मीट आउट हों। आज की डेट में ये है, कल की डेट में हो जाएगा आईटी के ऑब्जेक्टिव, सॉरी एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मीट आउट हों, आज ये है। कल की डेट में ये हो जाएगा आईटी के ऑब्जेक्टिव कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मीट आउट हों, उसको हम गोल कॉन्ग्रेंस कहेंगे। तो गोल कॉन्ग्रेंस की भी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, आईटी गोल कॉन्ग्रेंस की भी डेफिनेशन कल चेंज करेगा। आज गोल कॉन्ग्रेंस की डेफिनेशन ये है कि एम्प्लॉय के गोल्स, पर्सनल गोल्स, पर्सनल एम्बिशंस कंपनी के गोल्स के साथ मीट आउट हो जाए। कि अगर एम्प्लॉय कहे कि मैं कंपनी बढ़ेगी तो मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा तो कंपनी बढ़ेगी, कल की डेट में डिफरेंट है, आदमी को हटा देना है धीरे धीरे इस चेंज से। तो आईटी के ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मीट आउट हों और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स आईटी के ऑब्जेक्टिव से मीट आउट हों, इसे गोल कॉन्ग्रेंस माना।